हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। और आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर राजस्थान के अंदर कलाकृतियां जो बनती है, डिज़ाइंस बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, आज वो शो करूंगी। गंगानगर के अंदर है ये एक मिनी शॉप है, और ये देखिए, देन स्टार्ट नाउ। ये देखिए, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं मिट्टी से बनाए हुए जो ये गमले हैं, अलग अलग शेप में इतने सुंदर लग रहे हैं। हर गमले पे अलग अलग तरीके से मटकियाँ, गमले बहुत बड़े छोटे हर प्रकार के मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको एंडिंग में इनके ऊपर जो पेंटिंग होती है वो भी दिखाऊंगी। राजस्थान के अंदर मटकियाँ बहुत प्रसिद्ध है ठंडे पानी के लिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो ये देखिए, ये गमला कितना सुंदर है, छोटा है बिल्कुल, इनडोर प्लांट्स के लिए, आप देख सकते हैं, मैंने घुमा के दिखाया है। नीचे छेद भी है, एक होल भी है, जिससे मतलब आप पौधों को हवा मिल सके, आप देख सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगी एंड में। अलग अलग तरीके की, ये देखिए, बहुत से तरीके के गमले हैं यहाँ पर, बहुत से तरीके की कलाकृतियाँ बनाई हुई है। अभी तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ, अंदर भी लेके चलूँगी। ये प्लांट्स मुझे, ये जो गमले हैं छोटे छोटे, सॉरी प्लांट्स आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर लगे मुझे और मैंने लिए भी। ये देखिए, एक छोटे से, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बट ये शायद तक मेरे हिसाब से मेंढक है, जिसको इतना सुंदर कलर करके इन्होंने बनाया है, देख सकते हैं। ये इतना बड़ा है और अंदर भी है इसके, जो चीनी मिट्टी से बने हुए गमले हैं, ये तो मिट्टी से पकाए हुए हैं, ये चीनी मिट्टी के गमले, आप देखिए, मैं आपको अंदर लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखिए, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग तरीके के, एक उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ओह, ये देखिए, इसमें भी होल दिया हुआ है और इतना सुंदर है, इसके ऊपर एक छोटा सा लिटिल सा प्रिंट है, और इट्स सो ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। ये शॉप इंदिरा वाटिका रोड पे है, जो राकेश बंसल जी का हॉस्पिटल है वहाँ पर पड़ती है ये, उसके थोड़ा सा आगे जाके है, इंदिरा वाटिका रोड पे। ये देखिए, ये इन्हें शायद तो मे भी तंदूर बोलते हैं, जिससे तंदूर की रोटी मैंने खाई हुई है, देखा भी हुआ है बहुत अच्छे से, क्योंकि राजस्थान में ये पॉपुलर है। ये देख सकते हैं आप, ये एक आंटी जी हैं जो मटकी बजा रहे हैं, मतलब ढोलक बजा रहे हैं, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के यार, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, क्या कहूँ मैं तो, देखी जा रही हूँ। बाल्टियाँ, पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग हर गमले पे अलग प्रिंट है, हर गमले पे अलग अलग चीज़ें हैं। सो बाहर आती हूँ, ये मुझे सबसे प्यारे लगे सीरियसली। ये देखिए, ये मैंने खिलार दिए थे जगह जगह, चलने में तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊंगी आंटी उस पर हर चीज़ पे कलर करेगी लास्ट में, आप देखना वीडियो में, प्लीज़ बने रहें। और जो फ्रेंड्स मेरे न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, सुंदर सुंदर है मटकियों पर। अब ये देखिए, ये कैसे कलर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये गोल गोल कुछ है, इसके ऊपर रख रखा है इन्होंने। अब मैं ना शायद नीचे बैठ जाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, हेलो आंटी, आप तो बिजी हैं शायद, मेरी तरफ देखेंगे नहीं, आई नो। वाओ, कितने कलर हैं, सिल्वर, ग्रीन और येलो, कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पर भी गमले रखे हैं, पर आपको ये दिखाती हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद वो दिखाऊंगी। देखिए, येलो कलर कर रहे हैं, अब यहाँ नीचे भी करेंगे, मस्त है यार, लास्ट में देखना इतना मस्त बन जाएगा ये। छोटे बचपन में अपने इसमें लड़ाई करते थे कि पापा 2 रुपये दो इसमें डालूंगी मैं कहती थी, आपका पता नहीं मुझे, गुल्लक, जिसको गुल्लक बोलते थे हम, मस्त सेविंग होती थी हमारी, इसमें से निकलते और नहीं थे, इसको तोड़ देंगे तो मम्मी पापा तोड़ देते थे, क्यों सेविंग करते थे, फिर पापा डांटते तो थे ही, कैसे तो 1-2 रुपये डालते हो, उसे भी तोड़ दो एक छोटे से 2 रुपयों के लिए। पर ये है कि ये बेस्ट तरीका है,
सेविंग का, घर के अंदर कोई 4-5 रुपये हो तो इसके अंदर डाल दो, ना निकले ना कोई और, लास्ट में भरेगा तभी निकालेंगे सभी। आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है ये, जैसे अपने किसी को कहीं भी रखा हो घर के अंदर ये, तो भी ऐसे मतलब अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि हाँ पड़ा हुआ और लगेगा थोड़ा सा कि यार ये पुरानी सी चीज़ क्या रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, सुंदर लग रहा है पड़ा हुआ। ये सभी को उन आंटी जी करेंगे, कलर करेंगे, मे बी अलग अलग करें या शायद सेम करें, आई डोंट नो। ये देखिए अलग अलग मूर्तियाँ, गमले, यहाँ पर गमले, मूर्तियाँ, मतलब सजावट की चीज़ें हर चीज़ मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे चाय पीने वाले कप मिट्टी के, ऐसा मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखिए मतलब हर चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो आप देख सकते हैं खुद ही, यहाँ आंटी ने बताया कि हैंगिंग बास्केट, शिव जी बैठे हैं ढोलक के ऊपर, हाँ राइट। आंटी जी ने बताया था कि हैंगिंग बास्केट्स भी बनाई हुई है बट ख़त्म है, सो मैं दिखा नहीं सकती। मिट्टी की हैंगिंग बास्केट्स, मतलब थोड़ा सा मेरे को भी सुन के अजीब लगा कि मिट्टी से हैंगिंग बास्केट्स, टूंटियाँ लगी हुई हैं, चीनी मिट्टी के गमले हैं, या आप देख सकते हो मटकियों की छोटी छोटी टूंटियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग मतलब डिज़ाइंस के बहुत सारे छोटे छोटे, अपने घर में जो अचार डालने के लिए छोटी सी वो दानी बोलते क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक के अंदर अचार रखने से अच्छा है कि इस मिट्टी के अंदर रखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये घर के अंदर एंट्री गेट पे मैंने सोचा था कि ये लगाएंगे, तो ये देखिए पत्थर का बहुत सुंदर है ये, ये देखिए एंट्री कर रहे हैं। सो बने रहिए फ्रेंड्स और ख़रीदारी करते रहिए गमलों की।